मूसा मूसा, मैंने रुखसाना के बेटे से कहा है कल से तुम उसके साथ चले जाओ। कहाँ अम्मी? वो किसी फैक्ट्री में धागे काटने का काम करता है। 18-19 हजार रुपए तनख्वाह है, 5-6 हजार रुपए ओवर टाइम के कमा लेता है। अम्मी क्या बात कर रही हैं आप, ये 20-25 हजार रुपए में हमारा क्या बनेगा? बेटा इस तरह पड़े रहने से भी कुछ नहीं बनेगा, अरे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। अम्मी देखिए 2 से 3 दिन में पता चल जाएगा किसने मेरी दुकान जलाई थी, फिर देखिएगा। फिर क्या, पूरी दुकान की भरपाई करवाऊंगा उससे, दुकान बनाकर देगा नहीं मुझे। अरे जिस बात का 2 हफ्ते से पता नहीं लगा, 2 दिन में क्या पता लगेगा। फिर भी मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करे, तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाए। बस यही है, यही करना है आपने, कि आपने मेरे लिए दुआ करनी है कि मेरे हक में सारी चीजें बेहतर हो, बाकी मैं संभाल लूंगा, वादा आपसे। मैंने तो वही कहा जो मैंने महसूस किया, सुना था मैंने फोन पर किसी से कह रही थी, वो रात तो मुझे औलाद ना दे सका, वो मेरे लिए क्या करेगा। वैसे साहब जी एक बात कहूँ, बीबी जी आप पर जाहिर नहीं होने देती, मगर मुझे तो ऐसा लगता है कि आप उनसे एक तरफा मोहब्बत करते हैं। She is not well. अगर वो कॉल नहीं कर सकी तो मैं कर लेता हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। शायद अभी भी आराम कर रही होगी। चलो अच्छा, जितना ज्यादा आराम करेगी उसी के लिए अच्छा होगा।